देखिए कुछ साहस है पाकिस्तान का और वहाँ बैठे हुए आतंकवादियों का, और वो लोग जिस तरह का उन्होंने कृत किया है, इस कृत का जो जवाब भारत सरकार ने दिया है वो ज़बरदस्त जवाब हम लोग देना शुरू कर दिए हैं। पहले तो हम लोगों ने उनके साथ अपने सभी राजनयिक संबंध तोड़े हैं, अपना हमने वहाँ से उच्च आयुक्त वापस बुलाया, उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो उनको मिला हुआ था एक छूट वो भी समाप्त कर दी गई है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था चरमराएगी। 200% अब एक्साइज ड्यूटी लगेगी उनके उनके वस्तुओं पे जो भारत में भेजेंगे। इनके अलावा वीज़ा कैसे दिया जाए ना दिया जाए उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। आसानी से वीज़ा मिलता था, सिंध नदी का पानी जाता उस पर भी विचार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो अभी 5 वहाँ के अलगाववादियों की सुरक्षा को वापस लिया गया है, ये बहुत सही संदेश है कि अब हम अलगाववाद हो आतंकवाद हो उसको कदापि वार्ता नहीं, अब हम उसको कायदे से उसका मुकाबला करेंगे। भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है, हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसियों से हमारी अच्छे संबंध हों, पर अगर वो इसको हमारी कमजोरी समझे तो इनकी मूर्खता है। भारत की सेना और भारत का लोकतंत्र इतना सुदृढ़ और हमारे प्रधानमंत्री इतने मजबूत हैं कि हर स्थिति में जवाब देंगे, हमारी सेना जवाब देगी। तो सेना को मुक्त हस्त दे दिया है प्रधानमंत्री ने कि जैसे वो चाहें उस तरह से अपनी रणनीति बनाकर इसका जवाब दे। तो आप देखिएगा जो ये कुछ साहस किया है आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान के शह से लोगों ने, इसका दूरगामी प्रभाव होगा। पूरा विश्व इस समय भारत के साथ खड़ा होता नज़र आ रहा है, और मुझे लगता है कि उसे अब पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित किए जाने के हम लोग बहुत करीब हैं। जिस तरह का उन्होंने काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से उनके राष्ट्र को समाप्त की ओर ले जा रहा है।